एक ब्रांच जो बनी थी गोरखपुर में, और उस समय यद्यपि प्रस्ताव यहां का जो इसके बारे में इंपीरियल बैंक के का प्रस्ताव गोरखपुर से जो गया था वह 1880-82 में जा चुका था, लेकिन बैंक के बोर्ड ने उसको खारिज कर दिया था क्योंकि उनको लगता था कि बैंक अपना खर्चा नहीं निकाल पाएगा। 1892 में फिर दूसरा प्रस्ताव जाता है तो वह कंसीडर तो होता है, लेकिन 1923 में इसकी सहमति मिलती है और 15 अक्टूबर 1923 को यह बैंक स्थापित होता है जो गोरखपुर का आज मुख्य स्टेट भारतीय स्टेट बैंक की जो मुख्य शाखा है, मुख्य भवन है, वह भारतीय स्टेट बैंक की यही भवन है जो आज से ठीक 100 वर्ष पहले गोरखपुर वासियों के लिए, इस कमिश्नरी वासियों के लिए यह बैंक यहाँ पर विकास की एक पायदान के रूप में सहयोग करने के लिए आगे बढ़ा था। आज अपनी 80 ब्रांच के साथ, 439 ग्राहक सेवा केंद्र के साथ, 236 एटीएम और क्योक्स के साथ, 21 लाख खाते धारकों के साथ और कुल 11,500 करोड़ रुपए के जमा पूंजी के साथ भारतीय स्टेट बैंक गोरखपुर में अपना कार्य कर रहा है। हम सब जानते हैं कि 2014 के बाद बैंकिंग सेक्टर में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं और वह बदलाव किस रूप में देखने को मिले। प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जिस एक व्यवस्था को आगे बढ़ाया, इसमें जनधन आधार के साथ जोड़ते हुए बैंक को उसके साथ लिंक कर दिया। आज कोई भी पैसा है, हम डीबीटी के माध्यम से इस धनराशि को सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचाते हैं। नकद लेन देन लगभग बंद हो गया है। यूपीआई आज दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन कार्य करने वाला एक व्यवस्था बन चुकी है जो भारत की देन है। और इसलिए आज के अवसर पर जब भारतीय स्टेट बैंक की गोरखपुर की इस मुख्य शाखा के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, बैंक की शानदार यात्रा के लिए मैं पूरे बैंक, इस भारतीय स्टेट बैंक को, गोरखपुर के जितने भी हमारे भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े हुए अधिकारी हैं, कार्मिक हैं, इन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। गोरखपुर के विकास में भी इस बैंक की एक बड़ी भूमिका है। आज गोरखपुर में नए नए उद्यम लग रहे हैं, विकास के नए नए कार्य हो रहे हैं। अभी सांसद जी ने बताया था, यद्यपि उनकी आवाज थोड़ा अटक रही थी, अटक इसलिए रही थी, ऐसा था कि जब वो रह रहे थे तो लगभग 1-2 साल 1.5 साल जब वो सर्किट हाउस में रह रहे थे तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा भी सरकारी भवन तो खाली करो भाई, और सरकारी भवन में रहना उचित नहीं होता है, बहुत लंबे समय तक फ्री में रहना उचित नहीं होगा। क्योंकि एक प्रवृत्ति थी, आपने देखा होगा कुछ वर्ष पहले एक प्रवृत्ति थी, कोई सांसद विधायक या महापौर हो गया तो सबसे पहले किसी सरकारी भवन में कब्जा करता था, किसी व्यापारी के भवन में कब्जा करता था, और ये कारण था मुख्य सीटी से सीपी अग्रवाल भी अपना भाग गए उधर गोरखनाथ की तरफ, सलाब जी भी अपने उसमें चुपचाप एक कोने में बैठे रहे कि नहीं चलिए बढ़ाना नहीं है। लेकिन जैसे जैसे परिवर्तन आया, हम लोगों ने कहा कि भाई कोई जनप्रतिनिधि किसी भी व्यवसायी किसी भी उद्यमी के मकान पर या कोई भी सरकारी भवन पर कब्जा नहीं करेगा। अगर वह जो भी उसके पास अपनी सामर्थ्य उसके अनुसार करेगी तो बैंक तो तैयार है। और आपके सामने उदाहरण है कि गोरखपुर के सांसद ने बैंक से 70% लोन लिया, अपना स्वयं का मकान बनाया और मकान के माध्यम से जन समस्याओं का निस्तारण कर रहे हैं, जन समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। बैंक एक सपोर्ट है, एक सहयोग है, और वह पसीना उनको बैंक के इंटरेस्ट से आ रहा था।
लेकिन उनको ये भी मालूम होगा कि जब इंटरेस्ट आता है तो यहीं से सब सामाजिक कार्य भी होते हैं, जो आपने यहाँ पे देखा होगा, महिला स्वयं सेवी समूह को दिया जा रहा था, क्रेयन डिस्ट्रीज को भी लोन दिया जा रहा था, अन्य तमाम चीजों को सपोर्ट के रूप में वो कार्य कर रहा है, जिससे आप उस व्यवस्था को आगे बढ़ा सके और फिर उस व्यवस्था के माध्यम से वे अपने सामाजिक कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ा सकें, विकास की प्रक्रिया में भी अपना योगदान दे सकें। आज ये प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। विकास के हर एक कार्य में बैंक पूरी मजबूती के साथ लग करके कार्य कर रहा है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि वर्तमान में बैंक से जो लेन देन हो रहा है, 2,62,00,000 किसान ऐसे हैं जिनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा सीधे डीबीटी के माध्यम से आता है। 1,91,00,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें हम 1200 रुपये बैग, बुक्स, शूज, स्वेटर, यूनिफॉर्म के लिए डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में भेजते हैं। 1,00,00,000 परिवार ऐसे हैं जिनको हर महीने हम लोग डीबीटी के माध्यम से 1,000 रुपये पेंशन की राशि उनके अकाउंट में भेजते हैं। अगर बैंक के पास ये सुविधा नहीं होती और प्रधानमंत्री जी ने जनधन अकाउंट नहीं खुलाए होते तो ये काम नहीं हो पाते। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान जैसे हेल्थ वर्कर गांव गांव में जाकर के आंगनबाड़ी, आशा, एएनएम या हॉस्पिटल में जितने पैरामेडिक्स थे, चिकित्सक थे, यह फ्रंट लाइनर वर्कर बनकर के वहां पे कार्य कर रहे थे, ऐसे ही बैंक ने भी काम किया। बैंक की शाखाएं खुली रही और बैंक का लेन देन निरंतर चलता रहा, यानी अपनी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को उस समय भी वो निर्वहन कर रहा था।